कौम ये कहती कि चमार डरपोक हैं, तो प्रेमियों के इतिहास के बारे में मैं आपको बताता हूं कि चमार कितने डरपोक हैं, कितने मर्द हैं। 1943 में एक चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था, 1943 में, और जब यहां विश्व युद्ध हुआ यहां जितनी भी रेजिमेंट बनी हुई थी, चाहे जाट रेजिमेंट हो या ठाकुर रेजिमेंट हो या डोगरा रेजिमेंट हो, वो कोई सी भी रेजिमेंट है, वो सब किसी ने उनका अंग्रेजों का साथ नहीं, उनकी साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुई है, उन्हें सबको हरा हरा के वापस भेज दिया। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा ऐसी बिरादरी कौन है, ऐसा समाज कौन है जो इन जापानी अंग्रेजों को भगा सकता है, तो प्रेमियों उन्होंने गठन किया चमार रेजिमेंट के नाम से, जिसके 3000 सैनिक थे। तो उन्होंने युद्ध में तारा और युद्ध में उतरने के बाद उस चमार रेजिमेंट ने जापान अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट दिया। और उसी समय जब 1944-45-46 तक का युद्ध जीत लिया, तो सभी देशों ने मिलकर, जितने भी देश विदेश हैं, सभी को एक कमेटी बैठी सभी देश की, और उस कमेटी ने सबसे बड़ा अवार्ड चमार रेजिमेंट को युद्ध का दिया था प्रेमियों। तो चमार वो चीज है जिसने इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ चमार रेजिमेंट का हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब, तुम इतिहास पढ़ोगे, अपने इतिहास को जानोगे। कोई नौजवान मोबाइल चलाता है, मोबाइल पे सिर्फ यूट्यूब खोले और चमार रेजिमेंट के नाम से एक ऑक्शन बोल दें मुंह से ही, तो सारा मैटर निकल के चला आता है। चमार रेजिमेंट ने इस देश के लिए सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा इतिहास रचा है, सबसे बड़ा बहादुरी का कौम नाम दिया गया है इसे। जब युद्ध जीत लिया तो इसे मार्शल कौम भी कहा है। तो अंग्रेजों का सफाया यहां की चमार रेजिमेंट ने किया था। तो देखिए, अगर आज गुरु सुमनदास जी हमारे समय में न आते तो ये इतिहास भी सब हमारे दबे हुए थे। अगर ये इतिहास की देन है तो गुरु सुमनदास जी महाराज ने, और कहते हैं समाज भी, कोई कह देता है कि रविदास गुरु महाराज ने तो सिर्फ सत्संग किया, तुम्बा बजाया, भक्ति करी, उन्होंने और कराई क्या। लेकिन गुरु रविदास जी ने इस संसार के अंदर ऐसा काम किया, दुनिया में कोई भी संत और कोई भी सतगुरु आवे वो नहीं कर सकता। जिसे अभी डाबरा जी के भाई लड़के ने भी बानी सुनाई थी कि चलता है देश अपना संविधान से, बाबा के संविधान से। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि बाबा साहब ने महाराष्ट्र के अंदर एक तालाब पे सब पानी के लिए आंदोलन किया और सभी को वहां पानी पिलाया, लेकिन ये तो 50 साल की बात है जो बाबा साहब ने पानी पिया। इसी आंदोलन को 1480 20 मार्च गुरु रविदास जी महाराज ने बनारस के अंदर गुरु के बाग में, जिसे संसार आज देवी मानता है गंगा को, उस गंगा में शूद्र जाति को इकट्ठा करके सबको स्नान कराया और सबको पानी पिलाया। तो कितना बड़ा काम किया, जब बोलने का भी अधिकार गुरु रविदास महाजी उस समय पे नहीं था। जब राणा सांगा के यहां से मुगलों के साथ लड़ाई हुई तो उनकी सेना बहुत कम पड़ गई, तो गुरु रविदास जी से उन्होंने निवेदन किया कि गुरु महाराज हमारी सेना कम पड़ गई, हम कैसे युद्ध को जीते। तो तुरंत जितने शूद्र वर्ण के लोग हैं उन्हें सबको वहां पे नौकरी दिलवाई थी गुरु रविदास जी महाराज ने, और लोग कहते कि रविदास जी ने करा ही क्या। सती प्रथा गुरु रविदास जी ने खत्म की, मीरा को सती नहीं होने दिया। संसार के अंदर अगर हिंदू धर्म काबिज है तो यो गुरु रविदास जी की देन है, मुसलमान जैसे भी पकड़ते मुसलमान ही बना देते, लेकिन गुरु रविदास जी ने थम्मा। तो देखिए कितना बड़ा आप लोगों के सामने उन्होंने काम किया। लेकिन इतिहास पढ़ने की जरूरत है, अगर इतिहास पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगी, जानकारी होगी तभी आपका। तो मेरा कहने का मतलब है 28 जून को जो चमार रेजिमेंट की पदयात्रा है, 28 जून को हर की पैड़ी गुरु रविदास मंदिर से गुरु सुमनदास जी की अध्यक्षता में चलेगी। एक यात्रा जो 8 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचेगी, और सरकार से हमारी मांग है कि हमारी पुण्य चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए,
अगर वो भाल होती है तो कम से कम भी कई लाख बच्चों को जो लिखे पड़े हैं सबको सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, कहने का मतलब जैसे 2 अप्रैल में आप लोगों ने जोर लगा के एक धारा को मांग लिया था, छीन लिया था, उसमें लड़ाई का काम नहीं है, वो कानून के तहत चलेगी, परमिशन के द्वारा चलेगी, इसमें कोई रगड़ा नहीं झगड़ा नहीं। तो उसमें सभी को भाग लेना है। अगर एक आवाज पर आप इकट्ठे हो गए, 10-20 हजार भी इकट्ठे हो गए, तो सरकार आपके चरणों में झुक जाएगी, सरकार को वो मांग पूरी करनी पड़ेगी। और वो मांग पूरी होगी तो आप लोगों के बच्चों को रोजगार मिलेगा, और जिस बच्चे का रोजगार लगेगा तो वो पीढ़ी बदल देगा। तो साथियों, अपना हक जरूर मांगना चाहिए, चाहे सरकार किसी की आवे या किसी की जावे, लेकिन अपने धर्म पे पक्के हो जाओ।